education.com में आप सभी का स्वागत है। मैं यहाँ पर कंट्रोल सिस्टम के क्वेश्चन को डिस्कस कर रही हूँ जो फ्रीक्वेंसी रिस्पांस एनालिसिस चैप्टर से ली गई है। यहाँ पे सभी क्वेश्चन गेन मार्जिन, फेज मार्जिन, गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी, फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी, इन सभी से रिलेटेड है। ठीक है, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले हम इसके बेसिक को जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि अगर कोई सिस्टम की मैग्नीट्यूड पता है तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि सिस्टम स्टेबल है, अनस्टेबल है या फिर मार्जिनल स्टेबल है। अगर मैग्नीट्यूड जी जे ओमेगा जो है, जब ओमेगा इक्वल टू ओमेगा पी सी है, अगर इक्वल टू वन होता है तो हम बोलेंगे सिस्टम जो हमारा है वो मार्जिनल स्टेबल है। education.com में आप सभी का स्वागत है। मैं यहाँ पर कंट्रोल सिस्टम के न्यूमेरिकल को डिस्कस कर रही हूँ जो फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स एनालिसिस चैप्टर से ली गई है। यहाँ पे मैं गेन मार्जिन, फेज मार्जिन, गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी, फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी, इससे रिलेटेड क्वेश्चन को डिस्कस करूँगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम कुछ बेसिक चीज़ों को जान लेते हैं फ्रीक्वेंसी रिस्पांस एनालिसिस चैप्टर के। जब हमें कोई सिस्टम के मैग्नीट्यूड की वैल्यू पता है तो हम कैसे बताएंगे कि सिस्टम हमारा स्टेबल है या फिर अनस्टेबल है या फिर मार्जिनली स्टेबल है। अगर मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड जी जे ओमेगा, जब ओमेगा इक्वल टू ओमेगा पी सी है, अगर वो इक्वल टू वन आता है तो हम बोलेंगे सिस्टम मार्जिनली स्टेबल है। दूसरा, अगर मैग्नीट्यूड ऑफ जी जे ओमेगा, जब ओमेगा इक्वल टू ओमेगा पी सी ग्रेटर देन वन आता है तो हम बोलेंगे सिस्टम अनस्टेबल है। अगर मैग्नीट्यूड जी जे ओमेगा, जब ओमेगा इक्वल टू ओमेगा पी सी है, लेस देन वन आता है तो हम बोलेंगे सिस्टम स्टेबल। फोर्थ कंडीशन है, अगर गेन मार्जिन एंड फेज मार्जिन दोनों ही पॉजिटिव है तो सिस्टम हमारा स्टेबल होगा, और इस कंडीशन में ओमेगा जी सी जो होगा वो लेस देन होगा ओमेगा पी सी। नेक्स्ट फिफ्थ, जब गेन मार्जिन एंड फेज मार्जिन दोनों ही अगर नेगेटिव है तो उस कंडीशन में सिस्टम अनस्टेबल होगा, और उस समय हमारा ओमेगा जी सी ग्रेटर देन होगा ओमेगा पी सी। अब हम कुछ बॉडी प्लॉट के बारे में जान लेते हैं। बॉडी प्लॉट में एक रियल एक्सिस होता है, एक इमेजिनरी एक्सिस होते हैं। ठीक है, ये हमारा इमेजिनरी एक्सिस होता है और ये हमारा रियल एक्सिस होता है, और यहाँ पर एक यूनिट सर्कल होता है, इसका रेडियस वन होता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक प्लॉट ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे जो ये यूनिटी को कट किया है इसको बोलते हैं ओमेगा जी सी, और यहाँ पे जो 180 डिग्री को कट किया है उसे बोलते हैं ओमेगा पी सी। यहाँ पे ये 0 डिग्री होता है, ये -90 डिग्री, ये -180। नेक्स्ट, जब ये ओमेगा जी सी है, ओमेगा जी सी ओरिजिन के बीच हम एक डॉटेड लाइन से उसको मीट कराते हैं, ज्वाइंट करते हैं दोनों लाइन को, ओमेगा जी सी और ओरिजिन को, अपने पॉइंट को ज्वाइंट करते हैं। उसके बाद ये जो एंगल होता है 0 डिग्री से यहाँ तक का, इसे हम ये नथिंग बट एंगल ऑफ जी जे ओमेगा। ठीक है, और ये हमारा जो एंगल होता है और इसको बोलते हैं एंगल ऑफ जी जे ओमेगा, और यहाँ पर जो ये जो है ये हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ जी जे ओमेगा होता है। ठीक है, ये हमारा बेसिक है, किसको ओमेगा पी सी बोलते हैं, किसे कट करने को -180 डिग्री कट करता है जब प्लॉट, उसको उस पॉइंट को बोलते हैं ओमेगा पी सी, जहाँ पर हमारा प्लॉट यूनिटी को कट करता है उसको बोलते हैं ओमेगा जी सी। ठीक है, था। अब हम लोग जान लेते हैं गेन मार्जिन और फेज मार्जिन का फॉर्मूला। तो फेज मार्जिन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 180 डिग्री प्लस एंगल ऑफ जी जे ओमेगा। गेन मार्जिन का होता है 1 बाई मैग्नीट्यूड ऑफ जे ओमेगा। अगर हमको गेन मार्जिन को डीबी में लिखना है तो हम लिखते हैं गेन मार्जिन इक्वल टू -20 लॉग मोड जी जे ओमेगा। ठीक है, यहाँ पे माइनस इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर ये डिनोमिनेटर में, इसको न्यूमरेटर में लाने में हमको माइनस यहाँ पे हो रहा है। अगर हम प्लस लेते हैं तो इस तरह से 20 log 1 / मैग्नीट्यूड ऑफ जी जे। ठीक है, ये हमारा बेसिक फेज मार्जिन गेन मार्जिन का फॉर्मूला हो गया। अब हम क्वेश्चन की ओर आते हैं। ये बेसिक यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है द ओपन लूप फ्रीक्वेंसी रिस्पांस ऑफ यूनिटी फीडबैक सिस्टम इज शोन बिलो। ठीक है, यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू वेरी करके हम लोग मैग्नीट्यूड ऑफ जी जे ओमेगा फाइंड आउट किए और एंगल ऑफ जी जे ओमेगा। ठीक है, अब वो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि गेन मार्जिन और फेज मार्जिन ऑफ अ सिस्टम आर। तो हम जानते हैं कि -180 डिग्री जब कट करता है प्लॉट तो उस पॉइंट को, जिस पॉइंट को कट करता है -180 डिग्री को, उसको बोलते हैं ओमेगा जी सी, और जब हम ओमेगा जी सी की वैल्यू को जब मैग्नीट्यूड ऑफ जी जे ओमेगा में पुट करते हैं तो हमको मिलता है जी जे ओमेगा का मैग्नीट्यूड। तो ये जो हमारा है ये मैग्नीट्यूड है जी जे ओमेगा का। ठीक है, और जब हमारा, जब प्लॉट वन
को कट करता है, तो उस पॉइंट को बोलते हैं ओमेगा पीसी। और उस ओमेगा पीसी की वैल्यू को जब एंगल में पुट करते हैं तो जो वैल्यू मिलता है वो बोलते हैं एंगल ऑफ जी जे ओमेगा। तो यहाँ पे एंगल ऑफ जी जे ओमेगा मेरा है -172 डिग्री। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है गेन मार्जिन? गेन मार्जिन इक्वल टू होता है, यहाँ पर डीबीएम फाइंड आउट करना है तो हम यहाँ लिखेंगे -20 log 0.63। ठीक है, तो वैल्यू आएगा 4 dB। ठीक है, अगर हम फेज मार्जिन देखें तो फेज मार्जिन इक्वल टू होता है 180 डिग्री प्लस एंगल ऑफ जी जे ओमेगा। यहाँ पे एंगल हमें गिवन है 180 डिग्री, एंगल हमारा -172 डिग्री, तो ये मिलेगा वैल्यू हमें 8 डिग्री। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट है। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कंसीडर द गेन फेज प्लॉट शोन इन द फिगर। यहाँ पे गेन फेज प्लॉट यहाँ पे गिवन है, यहाँ पे गेन एक्स एक्सिस में गेन को शो किया जा रहा है और वाई एक्सिस में गेन को शो किया जा रहा है और एक्स एक्सिस में फेज को। ठीक है, तो यहाँ पर जब हमारा यहाँ पर डीबी में है तो डीबी में क्या होता है, 1 जो होता है 20 log 1 जो होता है 0 होता है, इसीलिए यहाँ पर ये 0 है। अगर इसको डीबी में नहीं रखते तो यहाँ पर 1 होगा। ठीक है, लेकिन डीबी में होने की वजह से 0 है। ठीक है, तो यहाँ पे मैग जब 1 को कट कर रहा है तो यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू जो है 10 है, ये नथिंग बट क्या है ओमेगा जी सी। ठीक है, और जहाँ पर 180 डिग्री जब प्लॉट 180 डिग्री को कट कर रहा है तो वो नथिंग बट ओमेगा पी सी। ठीक है, यहाँ तो क्लियर है। ठीक है, अब ओमेगा जी सी के समय, ओमेगा जी सी जब है उस समय हमारा एंगल कितना है, क्योंकि ओमेगा जी सी की वैल्यू हम पुट करेंगे एंगल ऑफ जी जे ओमेगा में, तो हमें मिल रहा है वहाँ पे -140 डिग्री। ठीक है, और जब ओमेगा पीसी की वैल्यू जब हम मैग्नीट्यूड में पुट करते हैं तो हमको मैग्नीट्यूड की वैल्यू जो मिलती है -2 dB। कितना तो क्लियर है फिगर से। तो हमको जब ओमेगा जीसी पता है, ओमेगा पीसी पता है, मैग्नीट्यूड पता है और एंगल पता है एंगल ऑफ जी जे ओमेगा, तो हमको पहले एंगल ऑफ जी जे ओमेगा कितना पता है -140 डिग्री एंड मैग्नीट्यूड ऑफ जी जे ओमेगा -2 dB। ठीक है, तो यहाँ पे हमको फाइंड आउट करना है फेज मार्जिन और गेन मार्जिन। ठीक है, तो फेज मार्जिन इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री -140 डिग्री, तो ये हमको मिलेगा 40 डिग्री। और गेन मार्जिन हो जाएगा 1 by -2। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा यहाँ तक है, तो फिर इसको हम लिख सकते हैं -2। ठीक है, तो ये हमको देगा +2 dB। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट है, सॉरी ऑप्शन बी करेक्ट है, 2 dB एंड फेज मार्जिन 40 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी एंड फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी आर रिस्पेक्टिवली। तो ये पहले हम लोग जान चुके हैं गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी 10 rad/s है, फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी 100 rad/s है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फेज मार्जिन ऑफ अ सिस्टम विद द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। यहाँ पे ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन गिवेन है, हमको फाइंड आउट करना है फेज मार्जिन। ठीक है, तो फेज मार्जिन फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमको मैग्नीट्यूड एंड एंगल फाइंड आउट करना होगा। तो पहले हम मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ जी जे ओमेगा एच जे ओमेगा इक्वल टू होगा √1 ω² / √1 ω² √√9 ω² इसको हम लिख सकते हैं 1 by √9 ω² उसी तरह एंगल ऑफ जी जे ओमेगा निकालेंगे एच जे ओमेगा। ठीक है, तो ये मिलेगा 10 inverse ω - 10 inverse ω - 10 inverse ω/3। ठीक है, ये हमारा हो गया एंगल ऑफ जी जे ओमेगा एच जे ओमेगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ओमेगा की वैल्यू वेरी करेंगे, एक बार ओमेगा की वैल्यू एक बार 0 रखेंगे, देन 4 रखेंगे, देन इन्फिनिटी। ठीक है, उसमें हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ जी जे ओमेगा एच जे ओमेगा क्या होगा वो देखेंगे, एंगल ऑफ जी जे ओमेगा एच जे ओमेगा क्या होगा वो देखेंगे। ठीक है, तो जब हम 0 रखेंगे, जब हम 0 रखते हैं तो हमें मैग्नीट्यूड मिलेगा 1 by 3, जब हम 4 रखते हैं तो मैग्नीट्यूड मिलेगा 1 by 5, जब इन्फिनिटी रखेंगे तो मैग्नीट्यूड मिलेगा 0। ठीक है, उससे हम एंगल को फाइंड आउट करेंगे, जब हम 0 रखेंगे तो हमको एंगल 0 डिग्री मिलेगा, जब हम 4 रखेंगे तो एंगल -205 डिग्री मिलेगा, और जब हम इन्फिनिटी रखते हैं तो हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा -270
डिग्री, क्योंकि ओमेगा की जगह पे इन्फिनिटी रखेंगे तो 10 इनवर्स इन्फिनिटी इज नथिंग बट 90 डिग्री, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे जब तो मुझे मिलेगा एंगल -270 डिग्री। अब हम पोलर प्लॉट ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक यूनिटी सर्कल ड्रॉ करते हैं, ठीक है। उसके बाद जब हमारा ओमेगा इक्वल टू 0 है तो हमारा मैग्नीट्यूड 1/3 है, मीन्स लेस देन 1 है, तो यहाँ पर कहीं हम कंसिडर कर दे रहे हैं, यहाँ पे ओमेगा इक्वल टू 0, ठीक है। जब ओमेगा इक्वल टू 4 है तब हमारा मैग्नीट्यूड लेस देन 1 है, मतलब अंदर ही सर्कल के अंदर ही है, और उस समय एंगल हमारा 205 डिग्री है, तो हम कुछ इस जगह पे होगा, ठीक है, क्योंकि ये हमारा 0 डिग्री, ये -90 डिग्री, ये -180 डिग्री, तो इससे ऊपर होंगे, ठीक है। तो कुछ इस टाइप का ड्रॉ होगा फिगर, ठीक है। फिर उसके बाद जब ओमेगा इक्वल टू इन्फिनिटी है तो उस समय हमारा एंगल -270 डिग्री है और मैग्नीट्यूड 0 है, मैग्नीट्यूड 0 है मीन्स यहाँ पे टच करेगा तो ये इस तरह, और 270 डिग्री यहाँ पे, -270 डिग्री, ठीक है। तो ये इस तरह का प्लॉट ड्रॉ हुआ, ठीक है। जब हम प्लॉट ड्रॉ किए तो हमको यहाँ पर जो -180 डिग्री को कट कर रहा है तो उसको हम बोलते हैं ओमेगा पीसी, लेकिन यहाँ पर हमारा ओमेगा जीसी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है क्योंकि ये कभी भी यूनिटी को कट ही नहीं कर रहा है। तो जब ओमेगा जीसी एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है तो हम क्या जानते हैं, फेज मार्जिन हमको फाइंड आउट करना है। तो फेज मार्जिन इक्वल टू होता है 180 डिग्री प्लस एंगल ऑफ जी जे ओमेगा एच जे ओमेगा, और ओमेगा जी सी। तो यहाँ पे ओमेगा जी सी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है जिसके वजह से फेज मार्जिन जो होगा वो इन्फिनिटी होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर अ यूनिटी फीडबैक सिस्टम हैविंग एन ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, इतना गिवेन है। जहाँ पर जी एस दिया हुआ, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन गिवेन है, के डिवाइडेड बाई एस इंटू 0.2 एस प्लस 1 इंटू 0.05 एस प्लस 1, ठीक है। जब हो रहा है के इक्वल टू 1 है तब हमारा गेन मार्जिन 28 dB है, जब हमारा गेन मार्जिन 20 dB है तो के क्या होगा, हमको के फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे गेन मार्जिन इक्वल टू होगा -20 log मैग्नीट्यूड ऑफ जी जे ओमेगा, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं गेन मार्जिन इक्वल टू -20 log मैग्नीट्यूड की जगह पर हम लिख सकते के डिवाइडेड बाय ओमेगा रूट अंडर 0.04 ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 इंटू रूट अंडर 0.025 ओमेगा स्क्वायर। तो अब हम इसको लिख सकते हैं, ये हमारा मैग्नीट्यूड है। अब हम गेन मार्जिन को लिख सकते हैं -20 log, ये नीचे वाले को हम ए मान लेते हैं, ठीक है। तो के बाई, तो गेन मार्जिन लिख सकते हैं -20 log k प्लस 20। अब हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं 20 log ए इक्वल टू क्या होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं 20 log a इक्वल टू हो जाएगा, जब k इक्वल टू 1 है तो हमारा गेन मार्जिन 28 है, +20 log 1, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू मिलेगा 28, क्योंकि 20 log 1 0 होता है, तो मिल गया 20 log a इक्वल टू 28, ठीक है। अब हमसे बोल रहा है कि जब गेन मार्जिन 20 है तो k की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो गेन मार्जिन इक्वल टू लिख सकते हैं -20 log k/a, और गेन मार्जिन हमारा गिवन है 20, तो लिख सकते हैं -20 log k प्लस 20 log, तो 20 log a हम फाइंड आउट किए 28, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हैं 20 - 28 इक्वल टू -20 log, तो यहाँ पर आ जाएगा -8 इक्वल टू -20 log k, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो लॉग के इक्वल टू हो जाएगा 8/20। के जो होगा वो होगा 10^8/20 इक्वल टू 2.5। तो यहाँ पर के की जो वैल्यू आएगी वो होगी 2.5। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गेन मार्जिन ऑफ द यूनिट फीडबैक सिस्टम इज, ये हमारा सिस्टम यूनिट फीडबैक सिस्टम गिवन है, हमको गेन मार्जिन फाइंड आउट करना है। तो गेन मार्जिन इक्वल टू होता है 1 बाई मैग्नीट्यूड ऑफ जी जे ओमेगा, ठीक, ये विदाउट डीबी, ठीक है। हम लिखेंगे तो फॉर्मूला अलग होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमको मैग्नीट्यूड ऑफ जी जे ओमेगा फाइंड आउट करना होगा, जो होगा 4 डिवाइडेड बाय ओमेगा रूट अंडर ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 रूट अंडर ओमेगा स्क्वायर प्लस 4। तो मैग्नीट्यूड जी जे ओमेगा फाइंड आउट करना है तो एंगल ऑफ जी जे ओमेगा क्या होगा,
minus 90 minus 10 inverse omega minus 10 inverse omega by 2. ठीक है, तो अगर हमको ओमेगा जीसी सॉरी जी जे ओमेगा फाइंड आउट करना है तो हम ओमेगा इक्वल टू यहाँ रखेंगे ओमेगा पीसी। तो पहले हमको ओमेगा पीसी फाइंड आउट करना होगा, तो ओमेगा पीसी फाइंड आउट करने के लिए एंगल ऑफ जी जे ओमेगा की जगह पर लिखेंगे माइनस 180 डिग्री इक्वल टू माइनस 90 माइनस 10 इनवर्स ओमेगा पीसी माइनस 10 इनवर्स ओमेगा पीसी बाय 2। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगा माइनस 90 इक्वल टू माइनस 10 इनवर्स ओमेगा पीसी प्लस 10 इनवर्स ओमेगा पीसी बाय 2। ठीक है, यहाँ पे माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, देन अब हम बोथ साइड 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1090 इक्वल टू 10 इनवर्स ओमेगा पीसी प्लस 10 इनवर्स ओमेगा पीसी बाय 2। ठीक है, तो इसको मैं ए बोल दे रही हूँ, इसको बी। ठीक है, तो हम जानते हैं फॉर्मूला 10 ए प्लस बी इक्वल टू क्या होता है, 10 ए प्लस 10 बी डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10 ए इंटू 10 बी। ठीक है, उस पर हम पुट करेंगे इसे। अब 1090 डिग्री को लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री डिवाइडेड बाय कोस 90 डिग्री, और यहाँ पे इसको जब लिखेंगे तो ये आएगा हमारा ओमेगा पी सी प्लस ओमेगा पी सी बाई 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस ओमेगा पी सी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं 1 माइनस ओमेगा पी सी स्क्वायर डिवाइडेड 2 इजकल टू 0, क्योंकि साइन कोस 90 डिग्री इजकल टू 0 होता है। तो हमको यहाँ पे ओमेगा पी सी की वैल्यू जो मिलेगी वो होगी रूट अंडर 2। अब इस ओमेगा पी सी की वैल्यू को हम यहाँ पुट करेंगे तो मिलेगा 4 डिवाइड बाई रूट 2 इंटू 3 रूट 6, तो आएगा वैल्यू 2 डिवाइड बाई 3। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, गेन मार्जिन। ठीक है, तो गेन मार्जिन इक्वल टू होता है 1 बाई मैग्नीट्यूड ऑफ जी जे ओमेगा। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 बाई 2 बाई 3, जिसको हम लिख सकते 3 बाई 2। तो आंसर आएगा 1.5। ठीक है, और इसको अगर डीबी में कन्वर्ट करेंगे तो लिखेंगे 20 लॉग 1.5, तो आएगा 3.5 डीबी। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा गेन मार्जिन होगा 3.5 डीबी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ यूएफबी सिस्टम इज जीएस इक्वल टू 1 प्लस एस डिवाइडेड बाय एस ब्रैकेट में 1 प्लस 0.5 एस। ठीक है, तो कॉर्नर फ्रीक्वेंसी यार, जब हमको कॉर्नर फ्रीक्वेंसी निकालना होता है ये बोड़े प्लॉट में, हम लोग कॉर्नर फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग फैक्टर लिखते हैं, देन उसके बाद लिखते हैं कॉर्नर ना फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो फैक्टर में हमारा क्या है, एक है 1 बाई ओमेगा जे, एक है हम इसको जो कॉर्नर फ्रीक्वेंसी है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं। तो उसके बाद हम लोग लिखेंगे 1 प्लस जे ओमेगा। ठीक है, और एक है हमारा 1 बाई 1 प्लस 0.5 जे ओमेगा। ठीक है, इसकी कॉर्नर जो फ्रीक्वेंसी आएगी नन होगी, कुछ भी नहीं, इसकी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी 1 होगा। ठीक है, क्योंकि ओमेगा के नीचे जो है वो 1 है। ठीक है, और यहाँ पर जो कॉर्नर फ्रीक्वेंसी होगा वो 2 होगा, क्योंकि जो कॉर्नर फ्रीक्वेंसी होती है वो हम इसको लेते हैं 1 बाई 1 प्लस जे ओमेगा, और यहाँ पे जो वैल्यू होती है उसको। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू अगर हम 0.5 का ले तो ये हमारा आएगा यहाँ पर 2, ये सिमिलर है दोनों एक दूसरे का, तो यहाँ पे जो कॉर्नर फ्रीक्वेंसी होगा वो 2 होगा। ठीक है, और यहाँ पर हमारा 1 और यहाँ पर नन। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कॉर्नर फ्रीक्वेंसी आर, तो कॉर्नर फ्रीक्वेंसी क्या होगा, 1 एंड 2, ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द बोडे प्लॉट ऑफ अ यूनिटी फीडबैक कंट्रोल सिस्टम द वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ जी जे ओमेगा एट द फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी इज 1/2, देन गेन मार्जिन इज। ठीक है, तो हमको गेन मार्जिन फाइंड आउट करना है मैग्नीट्यूड ऑफ जी जे ओमेगा। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है कि जो मैग्नीट्यूड द वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ जी जे ओमेगा एट द फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी जितना बोल रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ जी जे ओमेगा जब ओमेगा इक्वल टू ओमेगा पी सी है उस समय है 1/2। ठीक है, तो गेन मार्जिन हमारा क्या हो जाएगा, 1/1 डिवाइड बाई 2, तो आंसर हो जाएगा 2। तो गेन मार्जिन 2 होगा, अगर डीबी में लिखेंगे तो 6
डीबी, ठीक है, डीबी में कन्वर्ट करना तो आता ही है, 20 log 2 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द बोर्डे प्लॉट ऑफ अ यूनिटी फीडबैक सिस्टम, यूनिटी फीडबैक कंट्रोल सिस्टम, द वैल्यू ऑफ फेज ऑफ जी जे ओमेगा एट द गेन क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी इज इतना। बोला एंगल ऑफ जी जे ओमेगा जब ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा जी सी है उस समय है -120 डिग्री। तो हम लोग क्या जानते हैं, फेज मार्जिन जो होता है 180 डिग्री प्लस एंगल ऑफ जी जे ओमेगा जब ओमेगा इज इक्वल टू होता है ओमेगा जी सी, ठीक है। तो उस समय हमारा वैल्यू दिया हुआ एंगल, एंगल ऑफ जी जे ओमेगा -120 डिग्री, तो आंसर हो जाएगा हमारा 60 डिग्री, यहाँ पे 60 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर दिया है यूनिटी फीडबैक सिस्टम हैज ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन गिवन है। अब हमको पोलर प्लॉट देखना है कि इसमें से कौन करेक्ट है। तो बेसिक हम लोग जान लेते हैं हैं कि कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं। जैसे कि ये इमेजिनरी रियल एक्सिस है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं 0 डिग्री, इसको बोलते हैं -90 डिग्री, इसको बोलते हैं -180 डिग्री, इसको बोलते हैं -270 डिग्री, ठीक है। ये टाइप 0 है, टाइप 1, ये टाइप 2 और ये टाइप, यहाँ पे ऑर्डर, ऑर्डर 1, ऑर्डर 2, ऑर्डर 3, ऑर्डर 4, ठीक है। तो हम यहाँ पे जो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन गिवन है, इसमें टाइप 1 है, ऑर्डर हमारा 3 है। तो टाइप 1, टाइप 1 मतलब यहाँ से स्टार्ट होगा, ओमेगा इक्वल टू 0 यहाँ से स्टार्ट होगा और ऑर्डर 3 है तो यहाँ तक जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह का ओमेगा इक्वल टू 0 यहाँ पे ओमेगा। अब हमको पता चल रहा है कि इन दोनों सी और डी दोनों में से कोई ऑप्शन करेक्ट है। अब हमको क्या करना है कि हमको मैग्नीट्यूड, इस ये मैग्नीट्यूड हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये मैग्नीट्यूड कितना है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, ये हमको फाइंड आउट करना होगा। तो इसके लिए हमको ये ओमेगा पी सी पता होना चाहिए, जहाँ पर 180 डिग्री को कट करा प्लॉट, उस पॉइंट को बोलते हैं ओमेगा पी सी। तो हमको ओमेगा पी सी फाइंड आउट करना होगा। ओमेगा पी सी फाइंड आउट करने के लिए हमें एंगल ऑफ जी जे ओमेगा निकालना होगा। तो एंगल ऑफ जी जे ओमेगा इक्वल टू हो जाएगा -90 -10 इनवर्स 2 ओमेगा -10 इनवर्स ओमेगा, ठीक है। अब यहाँ पर जी जे ओमेगा की जगह पर हम रखेंगे -180 डिग्री इक्वल टू -90 -10 इनवर्स 2 ओमेगा -10 इनवर्स ओमेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे मिलेगा मुझे, पूरी तरह सॉल्व करेंगे तो 90 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा 10 इनवर्स ओमेगा +10 इनवर्स ओमेगा, सॉरी यहाँ पे 2 ओमेगा, ठीक है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे बोथ साइड 10 थीटा से 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा sin 90 डिग्री डिवाइडेड बाय cos 90 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे ओमेगा 2 ओमेगा प्लस ओमेगा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो 1 माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0, देन 2 ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1, देन ओमेगा इक्वल टू हो जाएगा 1/√2, ठीक है। ये ओमेगा जो हमारा नथिंग बट ओमेगा पी सी है, और इस ओमेगा पी सी की वैल्यू हम मैग्नीट्यूड में पुट करेंगे तो मैग्नीट्यूड इसका क्या होगा, 1/√4 ओमेगा स्क्वायर प्लस 1√ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू रखेंगे 1/√, ठीक है। तो रिजल्ट आएगा -2/3, ठीक है, 2/3। तो हमको मैग्नीट्यूड जी जे ओमेगा पता चल गया, ये क्या हो गया 2/3 है और हमारी लेफ्ट साइड है, दैट्स वाई यहाँ पे -2/3। तो ऑप्शन सी जो है करेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे हम पुट करेंगे ओमेगा जी सी, ओमेगा पी सी की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो मुझे मिल जाएगा जी जे ओमेगा की वैल्यू 2/3, ठीक है, वही हमारा मैग्नीट्यूड है जी जे ओमेगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेज क्रॉस ओवर एंड गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करने बोला। तो फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी तो हम फाइंड आउट कर लिए, या 1/√2 मीन्स 0.707 रेडियन पर सेकेंड। अब हमको फाइंड आउट करना होगा गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी। तो ओमेगा जी से फाइंड आउट करने के लिए हमको लिखना होगा 1/√4 ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, इसको हम लिखेंगे 1,
ठीक है, अब हम इस चीज़ को लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट में 4 ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, इसको लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 1। ठीक है, तो जब हम सॉल्व करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी आएगी 0.326, तो ओमेगा का जो वैल्यू होगा वो होगा 0.57 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। ठीक है, गेन मार्जिन और फेज मार्जिन फाइंड आउट करना है, तो गेन मार्जिन इक्वल टू होता है 1 बाय मैग्नीट्यूड ऑफ जी जे ओमेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर डीबी में फाइंड आउट करना है तो हम लिख सकते हैं -20 लॉग मैग्नीट्यूड, तो मिला था अभी कितना 2/3 शायद, हाँ 2/3। ठीक है, तो यहाँ पर 2/3 को पुट करेंगे तो वैल्यू आएगा 3.52। ठीक है, डीबी। अब हम लोग देख लेते हैं फेज मार्जिन। ठीक है, फेज मार्जिन इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री प्लस एंगल ऑफ जी जे ओमेगा, जब ओमेगा इक्वल टू ओमेगा जी सी। ठीक है, ओमेगा जी सी की वैल्यू आई है 0.57। ठीक है, तो हम अगर एंगल पर, ये जो हमारा एंगल है यहाँ पे ओमेगा जी सी की वैल्यू रखेंगे, ठीक है, तो -90 माइनस 10 इनवर्स 2 ओमेगा माइनस 10 इनवर्स ओमेगा इक्वल टू, ठीक है, फाइंड आउट करना है, ये हमारा है एंगल ऑफ जी जे ओमेगा। ठीक है, अब हम ओमेगा की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे ओमेगा जी सी। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा -90 माइनस 10 इनवर्स 2 इंटू 0.57 माइनस 10 इनवर्स 0.57, तो वैल्यू आएगा माइनस 168.43। ठीक है, तो फेज मार्जिन क्या हो जाएगा हमारा, फेज मार्जिन इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 168.43, तो मिलेगा 11.6 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ऑप्शन डी करेक्ट है। ठीक है, देन गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ अ यूनिटी फीडबैक सिस्टम इज गिवन बाय, यहाँ पर जीएस की वैल्यू गिवन है, देन गेन मार्जिन ऑफ द सिस्टम फाइंड आउट करना है, तो जी जे ओमेगा ये क्या होगा हमारा 1 बाय ओमेगा। ठीक है, और एंगल ऑफ जी जे ओमेगा जो होगा वो होगा -90 माइनस 0.1 ओमेगा पी सी इंटू 180 डिग्री डिवाइड बाय पाई, क्योंकि ई का पावर माइनस जे थीटा होता है। ठीक है, ई का पावर माइनस जे थीटा होता है, तो यहाँ पर थीटा की मैग्नीट्यूड जो हमारा ये रेडियन के फॉर्म में उसको डिग्री के फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, इसलिए मैंने यहाँ पर 180 डिग्री डिवाइड बाय पाई से मल्टीप्लाई किया है। अब हमको ओमेगा पी सी फाइंड आउट करना है, क्योंकि गेन मार्जिन फाइंड आउट करना है, तो गेन मार्जिन का जो फॉर्मूला होता है ये होता है 1 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ जी जे ओमेगा, जहाँ पर ओमेगा इक्वल टू ओमेगा पी सी। ठीक है, तो हम ओमेगा पी सी फाइंड आउट करेंगे, तो ओमेगा पी सी फाइंड आउट करने के लिए एंगल ऑफ जी जे ओमेगा लेंगे -180 डिग्री इक्वल टू -90 माइनस 0.1 ओमेगा पी सी इंटू 180 डिग्री डिवाइडेड बाय पाई, तो यहाँ पर ओमेगा पी सी का वैल्यू आएगा, तो ओमेगा पी सी का वैल्यू है 15.7 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, अब हम यहाँ पर पुट करेंगे, अगर डीबी में चाहिए तो लिखेंगे -20 लॉग 15.7, तो वैल्यू आएगा 23.9 डीबी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए यूनिटी फीडबैक सिस्टम हैज़ एन ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ इतना। ठीक, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन गिवन है, व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ जी जे ओमेगा इन डीबी एट एन एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ ओमेगा इज इक्वल 20 रेडियन पर सेकेंड, कितना होगा 20 रेडियन पर सेकेंड लेने पर मैग्नीट्यूड जी जे ओमेगा कितना होगा, तो जी जे ओमेगा क्या होगा 10,000 डिवाइडेड बाय ओमेगा ब्रैकेट में ओमेगा स्क्वायर प्लस 100। ठीक है, अब ओमेगा की वैल्यू मुझे 20 रखनी है, तो 10,000 डिवाइडेड बाय 20 ब्रैकेट में 400 प्लस 100। ठीक है, 10,000 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 500, 0, 3 0 कैंसिल, देन आंसर आएगा 1। तो मैग्नीट्यूड ऑफ जी जे ओमेगा 1 है, तो जब हम मैग्नीट्यूड डीबी में कन्वर्ट करेंगे तो 20 लॉग
1 इज इक्वल टू 0, तो इसका आंसर 0 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहा फेज मार्जिन इन डिग्री, उनको फेज मार्जिन फाइंड आउट करना है। तो फेज मार्जिन इज इक्वल टू होता है 180 डिग्री प्लस एंगल ऑफ जी जे ओमेगा व्हेन ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा जी सी। ठीक है, तो पहले हमको ओमेगा जी सी फाइंड आउट करना होगा। ओमेगा जी सी फाइंड आउट करने के लिए हम मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1 रखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 10,000 डिवाइडेड बाय ओमेगा ब्रैकेट में ओमेगा स्क्वायर प्लस 100 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ लिख सकते ओमेगा क्यूब प्लस 100 ओमेगा इज इक्वल टू 10,000। अगर हम यहाँ ओमेगा की वैल्यू अगर 2,000 सॉरी ओमेगा की वैल्यू अगर 20 रखते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 8,000 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 2,000, तो ये इक्वल हो जा रहा है 10,000 का। मतलब ओमेगा इज इक्वल टू 20, यहाँ पर फुलफिल कर रहा मीन्स ओमेगा जी सी हमारा है। तो हमको ओमेगा जी सी मिल गया। अब हमको फेज मार्जिन पता करना, तो उसके लिए हमको एंगल ऑफ जी एंगल ऑफ जी जे ओमेगा फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, तो एंगल ऑफ जी जे ओमेगा होगा तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 90 माइनस 2 टेन इनवर्स ओमेगा बाई 2 नहीं ओमेगा बाई 10 है सर, हाँ 10 है यहाँ पे सॉरी, तो यहाँ पे हो जाएगा ओमेगा बाई 10। ठीक है, अब हम यहाँ पे ओमेगा जी सी की वैल्यू रखेंगे ओमेगा की जगह पर, तो माइनस 90 माइनस 2 टेन इनवर्स 20 बाई, तो वैल्यू आएगा माइनस 90 माइनस 2 टेन इनवर्स, तो आएगा वैल्यू 216.686 डिग्री। ठीक है, माइनस में, तो हमको फाइंड आउट करना है क्या फेज मार्जिन। फेज मार्जिन तो यहाँ पे लिख देंगे 180 डिग्री माइनस 216.86 डिग्री। ठीक है, तो वैल्यू आएगा माइनस 36.86 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस 36.86। अब हमसे पूछ रहा है गेन मार्जिन फाइंड आउट करने के लिए, तो गेन मार्जिन फाइंड आउट करने के लिए हमको ओमेगा पी सी पता होना चाहिए। तो गेन मार्जिन इक्वल टू होता है माइनस 20 लॉग मैग्नीट्यूड ऑफ जी जे ओमेगा। ठीक है, जब ओमेगा इक्वल टू ओमेगा पी सी है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको ओमेगा पी सी फाइंड आउट करना होगा। तो ओमेगा पी सी फाइंड आउट करने के लिए हम एंगल ऑफ जी जे ओमेगा की जगह पर एंगल ऑफ जी जे ओमेगा की जगह पर लिखेंगे माइनस 180 डिग्री। ठीक है, ये हमारा दिया होता है माइनस 90 माइनस 2 टेन इनवर्स ओमेगा बाई 10। ठीक है, तो यहाँ पे लेंगे माइनस 180, यहाँ पे प्लस 90 इजकल टू माइनस 2 टेन इनवर्स ओमेगा बाई 10। ठीक है, तो यहाँ पे मिल जाएगा हमें 90 डिवाइड बाई 2 इजकल टू टेन इनवर्स ओमेगा बाई 10। ठीक है, तो यहाँ 45 हो जाएगा। ठीक है, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो ओमेगा इजकल टू 10। ठीक है, तो यहाँ पे ओमेगा पी सी इजकल टू हमारा आएगा 10। तो ओमेगा पी सी हमको पता चल गया। अब मैग्नीच्यूड जहाँ पर है मैग्नीच्यूड ऑफ जी जो ओमेगा है वहाँ पे हमको रखना होगा 10। तो यहाँ पर है इसको हम रख रहे हैं, तो यहाँ पर 10,000 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 200। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 10,000 डिवाइडेड बाय 2,000, 30 कैंसिल, देन हमको मैग्नीच्यूड मिलेगा 5। तो यहाँ लिख सकते हैं 20 लॉग 5, तो ये हमको वैल्यू देगा माइनस 13.97 डीबी। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर होगा माइनस 13.97। ठीक है, अब मुझसे पूछ रहा है कि सिस्टम इज क्या है, सिस्टम स्टेबल है या अनस्टेबल है या मार्जिनल स्टेबल है या फिर कैन नॉट डिटरमाइन। तो जब हम स्टार्ट कर रहे थे वीडियो को तो मैंने बताया था कि जब फेज मार्जिन और गेन मार्जिन बहुत अगर नेगेटिव होता है तो हमारा सिस्टम जो होता है वो अनस्टेबल होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन भी करेक्ट होगा। मैं यहीं पर वीडियो को समाप्त करती हूँ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।